नमस्कार, आप देख रहे हैं JTN न्यूज़ इंडिया और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान है, कांग्रेस पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी। सबसे पहले तो राजेश जी, स्वागत आपका JTN न्यूज़। धन्यवाद और बधाई भी चैनल की तरफ से कि आप प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। धन्यवाद राजेश जी। बहुत सारे मुद्दे हैं कांग्रेस को लेकर के और महागठबंधन की सरकार अभी चल रही है झारखंड के अंदर। आपको लगता है कि गठबंधन का जो सरकार है उसमें फैसले जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है? तीन पार्टियों का गठबंधन है फिलहाल झारखंड के अंदर, तो सबसे पहले तो सैद्धांतिक सवाल हो जाए कि फैसले लेने में प्रॉब्लम है क्या, इसके बाद मैं सप्लीमेंट्री ले रहा हूं। नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब संवाद होता है तो फैसले लेने में दिक्कत नहीं होती है। हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी काफ़ी संवेदनशील हैं और जो झारखंड के मसले होते हैं उस पर संवेदनशीलता दिखाते हुए निर्णय लेते हैं। हमें लगता है कि कई बार उन तक बात भी नहीं पहुंचती है और कई बात पहुंचाई नहीं जाती है। तो हम लोगों ने अब पदभार संभाला है तो निश्चित रूप से सभी ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, सारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी बात को समझते हैं। तो हमें नहीं लगता है कहीं कोई दिक्कत है। गठबंधन की सरकार है और संगठन हमारा मजबूत होगा तो गठबंधन मजबूत होगा, और हम नहीं समझते हैं जब संगठन मजबूत हो जाएगा तो कहीं किसी प्रकार की दिक्कत। बहुत दिन से बात चल रही थी एक व्यक्ति एक पद को लेकर के, यही कारण था कि रामेश्वर उरांव जी के पास मंत्री पद भी था और अध्यक्ष पद भी उनके पास था, तो उसका पटाक्षेप पार्टी ने कर दिया है। अब क्या ये मानकर चलें कि झारखंड के जो लोग हैं उनको कैबिनेट के अंदर जो 12वां मंत्री पद है और बोर्ड निगम का जो गठन जो लंबित है इस पर कोई फैसला होगा क्या बहुत जल्द? देखिए, मंत्री पद जहाँ तक 12वें मंत्री पद की बात है वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, और जब मुख्यमंत्री जी ये निर्णय ले लेंगे कि हाँ एक मंत्री बनाना है तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी अपनी बात रखेगी कि हाँ हमारे कांग्रेस पार्टी से मंत्री होने चाहिए। लेकिन हम समझते हैं कि बहुत कहीं बोर्ड निगम वगैरह की जो बात कह रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं कहा जा सकता। हम समझते हैं जो 20 सूत्री और निगरानी है वो एक इम्पोर्टेंट इशू था, उसको हम लोगों ने हल कर दिया था। अब पूरे हर जिले से सूची मंगाई जा रही है और हर जिले से सूची आने के बाद नाम तय होते ही घोषणा 20 सूत्री की हो जाएगी। तो हमें नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत है, सब लोगों को मान सम्मान मिलेगा। बोर्ड निगम की जहां तक बात है तो बोर्ड निगम जो भी खाली पड़े हुए हैं उनको भरना भी ज़रूरी है। तो लेकिन पहले जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ कार्यकर्ता है जिसकी बदौलत हम सरकार में आए हैं उनको पहले मान सम्मान देने की ज़रूरत है। बाद में जो नेता जो राज्य स्तरीय नेता हैं या जिनको लोगों ने विधायकों को सम्मान देकर के विधायकों को चुनाव जितवा करके भेजा है उन लोगों के बारे में विचार करेंगे कि कहाँ किसको जगह मिलनी चाहिए। राज जी, झारखंड सरकार ने जो स्थानीय नीति थी नियोजन को लेकर के उसको उसने रीडिफाइन कर दिया है रघुवर सरकार के बाद, आप संतुष्ट हैं क्या? पहले कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस बात का? बिल्कुल, अगर संतुष्ट नहीं होते तो हम लोग अपनी बात को रखते। एक ऐसी पद्धति से नियोजन नीति को लाया गया है जिसमें शायद किसी को कोई एतराज़ नहीं है। अब यह है कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है और सत्ता से जब व्यक्ति पदच्युत होता है तो उसको ये लगता है कि कल ही सत्ता में आ जाए, सत्ता की बेचैनी रहती है। तो सत्ता की बेचैनी है उसमें कुछ ना कुछ, और विपक्ष का काम भी है कई बातों पर ध्यान आकृष्ट कराना सरकार का, वो आकृष्ट कराते रहते हैं। हम लोग उसको भी ध्यान रखते हैं, हम लोग विपक्ष के सम्मान करने वाले लोग हैं। अगर कोई सकारात्मक तरीके से कोई विपक्ष सवाल उठाता है, सही सवाल उठाता है तो उस पर हम लोग उनके विपक्ष का काम जो है सवाल उठाना तो उस पर भी ध्यान देना और उसका जवाब भी देना, और साथ में अगर कोई सही बात है तो उसको पूरा करना। राजेश जी, जो मुख्य विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी वो 2 साल से चिल्ला रही है कि जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो बाबूलाल मरांडी को लेकर के अब तक तय नहीं हुआ है, जो गेंद है वो रविंद्र महतो जी के पाले में है स्पीकर के पाले पे। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का जो दावा है वो JMM तो इनकार कर ही रही है रविंद्र महतो के ये में, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी भी इसमें सहमत है क्या JMM? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर अब तक राज्य तक ऐसे जो संवैधानिक चीज़ें हैं उसका मजाक उड़ाती आई है। जब आपको पता था कि वो आपके विधायक नहीं हैं तो आपके 25 विधायक जो जीत के आए थे वो क्या निकम्मे थे, उनमें से किसी को नहीं बनाया जा सकता था, पहले उनको बनाते। और अगर नहीं, अगर ठीक है, सीनियर मोस्ट लीडर को लेने का फैसला किया तो सीनियर मोस्ट तो CP सिंह से सीनियर मोस्ट कौन है? एक से एक सीनियर मोस्ट लीडर हैं। बाबूलाल जी
अब घूम फिर के आए हैं तो सीनियर लीडर तो नहीं माने जाएंगे जब लेकिन ठीक है, उससे भी हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो वक्त लगता है वो उनको पता है। जब 6 विधायकों को उन्होंने तोड़ करके ले जाने का काम किया था पिछली सरकार में JVM के, उन्हीं बाबूलाल जी के 6 विधायक तोड़े थे, तो कब फैसला आया था? 4.5 साल के बाद आया था। मगर बदला ले रही है क्या तब? अब नहीं, देखिए हम लोग उसमें नहीं, इतना तो समझ होना ही चाहिए। आपने मामला अटका दिया तो हम भी मामला अटका। नहीं, उनको इतना तो समझ होना ही चाहिए कि लोग डर के मारे घर से नहीं निकलते थे, उसमें फैसला कैसे आ जाएगा? जब लोग घरों से नहीं निकलते थे, लोग अगर अपने कोई परिजन अपना नर्सिंग होम में भर्ती हो गया उससे नहीं मिलने जाते थे, तो विधानसभा अध्यक्ष कैसे आकर के फैसला दे देंगे? थोड़ी सी समझ रखनी चाहिए। राजनीति करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि बस जो मन में आया बोलना है, ये बोलना उनका काम है, वो बोलें, लेकिन इतनी समझदारी होनी चाहिए और प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले तो जिस दिन फैसला आएगा, तो जो हम जितना कानून को समझते हैं और जितनी बातें समझते हैं, 2/3 बहुमत से हमारे यहाँ बंधु जी और प्रदीप यादव जी आए हैं, तो जैसे ही वो आएंगे तो वो कहीं के नहीं रह जाएंगे बाबूलाल जी। तो हमें लगता है कि थोड़ा संयम बरतने की ज़रूरत है। ये तो अगर विलम्ब भी हो रहा है तो उन्हीं को फ़ायदा है। राजेश जी, वाइंड अप करना, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ। ब्यूरो कृषि का जो सेटअप है झारखंड के अंदर, वो स्टेबल हो गया क्या? क्योंकि पहले जिस ढंग से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही थी वो अब काफ़ी है क्या, और कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी बाकी है क्या? देखिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग से केवल ये नहीं समझा जाना चाहिए कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बहुत सारे मायने होते हैं, कई प्रकार की बातें। बीजेपी ने तो उद्योग का दर्जा दे दिया कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग, बीजेपी चूंकि वो उद्योग चलाती थी इसलिए उसको ज़्यादा समझ है कि उद्योग है, क्योंकि आप देखे होंगे कि कैसे तबादले होते रहते थे लगातार। तो बीजेपी जिसको जैसा समझती है वैसा बोलती है, वो तबादले को उद्योग समझती है, धंधा समझती है, तो उस हिसाब से बोलती है। लेकिन हम ये समझते हैं कि अधिकारी को लगाम लगा के रखना है। कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई जिसको जो मन में करेगा और उसको हम करने देंगे, इसकी इजाज़त नहीं है। ज़रूरत पड़ेगा तो 6 महीने के अंदर भी तबादला होगा, इसमें क्या बात है? शासन को चलाने के लिए इकबाल की ज़रूरत है, और इकबाल को बुलंद करने के लिए इस तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं। और उससे अधिकारियों में एक मैसेज जाता है कि गलत काम करोगे तो जल्द हटा दिए जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको बना दिया तो 3 साल रहना ज़रूरी ही है। तो इसलिए हमें लगता है कि जो भी संगठन या सरकार या सारी चीज़ें गतिशील रहती है तो उसमें ऐसे फैसले आते रहते हैं। उद्योग का दर्जा उनको देना हो देते रहें, उससे कोई राजी जब इशारा कर रहे हैं जन भावना को ध्यान में रखते हुए और ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को ध्यान में रखते हुए कि जो जरूरी है वो फैसले होंगे। बिल्कुल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर के एक बड़ा हिस्सा जो टैक्स का है वो राज्य सरकार के पास जाता है। बार बार कांग्रेस के लोग और JMM के लोग टारगेट करते हैं केंद्र सरकार को, तो केंद्र का जो टैक्स है वो अलग मामला है और राज्य का जो टैक्स है वो अलग मामला है। राज्य सरकार अपने टैक्स पर पुनर्विचार करेगी क्या? नहीं नहीं, टैक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर नहीं, केंद्र सरकार के पास इतने सारे टैक्स के फायदे हैं, फिर भी अगर लोग राज्य सरकार से अपेक्षा करते हैं कि यहाँ के टैक्स पेट्रोलियम, हाँ तो हमारा सारा GST का पैसा तो केंद्र सरकार लेती है और उसके बाद वो रिटर्न करती है, तो वो कब रिटर्न करती है उसका कोई पता नहीं है। करोड़ों हजारों करोड़ रुपए बकाया हैं। अगर हम ये भी लेना छोड़ दें तो जाए कहाँ? और भारत की जनता तो अब ये कह रही है कि चाहे 200 रुपया पेट्रोल दोगे कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ उन्हीं के लिए थोड़ी है ये तो हमारे उनके लोग कह रहे हैं, तो उनके लोग भी हमारे बारे में भी तो ऐसी ही बातें करनी चाहिए। अगर करनी है तो इस तरह की बात करनी चाहिए। और जहाँ तक इसका सवाल है, जैसे ही वो वहाँ से पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे टैक्स अपने आप कम हो जाएगा। टैक्स कोई मेरा ये थोड़ी है कि 25 रुपया लेते हैं, परसेंटेज होता है। जैसे ही आप पेट्रोल की कीमत या डीजल की कीमत कम करेंगे तो हमारा टैक्स अपने आप कम हो जाएगा। तो इतनी तो समझ रखनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। हमें नहीं लगता है कि इस तरह के सवाल भी आने चाहिए, क्योंकि हमें भी राज्य चलाना है और राज्य में पैसे की जरूरत है। कोरोना में 2 साल तक पूरा बुरा हाल रहा, अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई। केंद्र में अर्थव्यवस्था के ज्ञानी लोगों ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, और उसके बाद कोई अपेक्षा करे तो भैया अगर टैक्स कम करवाना है तो आप केंद्र की भी सत्ता 2024 में हमें सौंप दीजिए, हम वहाँ भी टैक्स कम कर देंगे, यहाँ भी टैक्स कम कर देंगे।
आप बड़ी लकीर खींचने जा रहे हैं। राजेश जी, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद, आपने वक्त निकाला जेटीएन न्यूज इंडिया। धन्यवाद जेटीएन न्यूज इंडिया का, आपने हमें वक्त दिया, धन्यवाद। ये थे झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी। विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, नमस्कार।